kirchhoffs law क्या होते हैं, very important article from 12th board point of view, kirchhoffs law and its application, एक question mostly पूछ लिया जाता है, so take care. Now kirchhoffs first law, this is also called junction rule, कि kirchhoffs first law को junction rule भी कहा जाता है, कि भाई क्या होता है आपका kirchhoffs first law या junction rule. तो जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, इट स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो. कि एल्जेब्रिक सम जो होता है करंट का, सभी करंट्स का जो किसी जंक्शन पर मीट कर रहे होते हैं, वो जीरो होता है. दैट इज समेशन आई इज इक्वल टू जीरो. इन द डायग्राम यू हैव सीन दैट ओ इज अ जंक्शन पॉइंट वेयर फाइव करंट एलिमेंट्स आर देयर. I1 and I3 are entering currents to junction O. I2, I4 and I5 are leaving currents at point O. So we take the direction of entering currents as positive and leaving current as negative. So algebraic sum of all the currents is I1 plus I3 because their direction is taken as positive as they are entering current, minus I2, minus I4, minus I5 because they are leaving current is equal to zero, or we can say summation I is equal to zero. We remember Kirchhoff's first law or junction rule obey law of conservation of charge. Ki law of conservation of charge ko support karta hai. That is, charge can neither be created nor be destroyed. Total charge on an isolated system remains conserved. Now Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law, it states that in any closed path of an electric circuit, the algebraic sum of EMF is equal to the algebraic sum of products of resistances and current flowing through them. मतलब कि किसी भी closed path में जो EMF का algebraic sum होता है, वो sum of product of current and resistance होता है. And this law supports the law of conservation of energy. ये law आपका law of conservation of energy को support करता है. Now sign conventions. While traveling in a loop, if negative terminal of a cell is encountered first, then its EMF is negative, otherwise positive. यदि हम किसी loop में move कर रहे हैं और पहले negative terminal पड़ता है, तो उस cell का EMF हम negative लेंगे, otherwise उसका EMF पॉजिटिव लेंगे. करंट इज टेकन एज पॉजिटिव इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज वन मूव्स इन क्लोज सर्किट एंड नेगेटिव इफ वन मूव्स इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द करंट. यदि हम किसी क्लोज सर्किट में मूव कर रहे हैं, हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो हम करंट को पॉजिटिव लेंगे. अगर हमारी और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है हमारे मूव करने की, तो हम उस करंट को नेगेटिव लेंगे. कैसे लेंगे अभी देखते हैं आगे एक एग्जांपल के थ्रू. नाउ किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ की एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे किसी सर्किट में. हेयर इज अ सर्किट ए बी सी डी ई एफ. ये आपकी ए, ये आपकी पूरी क्लोज सर्किट है. टू सेल्स आर देयर ऑफ ईएमएफ ई1 एंड ई2. करंट आई1 फ्लो थ्रू सेल हुज ईएमएफ इज ई1 एंड करंट आई2 drawn from cell E2, and after point B they combine and form the current I3. This current I3 passes through flow through resistance R2, and after point E I1 flows. I1 current जो आपका ऊपर की ओर चला जाता है सर्किट में, और I2 current आपका नीचे की ओर आके सीधा आपका negative terminal में. तो इस तरीके से ये हमारे current flow करते हैं. अब इनमें हम किस तरीके से किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं वो देखिए. अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ टू द क्लोज्ड पाथ ए बी ई एफ ए. कि मैंने एक क्लोज पाथ ले लिया सर्किट में ए बी ई एफ ए, मैं इसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करता हूं. क्योंकि हम ए से मूव कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम मूव करते हुए आए, और जब हम यहां तक पहुंचे आर टू तक, हमने देखा हमारी और करंट आई थ्री की डायरेक्शन सेम है जब हम इधर मूव कर रहे हैं सर्किट में, तो ये प्रोडक्ट जो होगा पॉजिटिव होगा. So I3 R2 taken positive. फिर further move के कि हमने फिर आगे move करते जा रहे हैं circuit में, हम देख रहे हैं कि जो current I1 है और R1,
I1 R1 का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा क्योंकि I1 की भी वही डायरेक्शन है जो हमारे मूव करने की डायरेक्शन है. सो प्लस I1 R1 माइनस आपका सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पहले आ रहा है, तो इसलिए इसका EMF जो लेंगे यहाँ नेगेटिव लेंगे. माइनस E1 इज इक्वल टू जीरो और E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 R2. Now again applying Kirchhoff's second law to the closed path A, B, C, D, E, F, A. This A, B, C, D, E, F, A. तो इसमें हम अब Kirchhoff's law apply कर रहे हैं. हम इधर से move करना start किया तो हमने देखा E2 का positive terminal आ रहा है तो इसलिए इसका EMF positive होगा. तो E2 को हमने positive लिया यहाँ पे. उसके बाद फिर आगे move कर रहे हैं further तो हमने देखा हमारी और current I2 की direction opposite है. तो I2 R3 negative होगा minus I2 R3. फिर आगे फर्दर मूव करते चले गए हम तो हमने देखा I1 और R1 I1 की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है तो प्रोडक्ट I1 R1 पॉजिटिव होगा I1 R1. अब फिर आगे फर्दर मूव किया तो हमने देखा E1 का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है जो हमारी प्राइमरी ऊपर सेल थी उसका नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो इसलिए इसका EMF जो होगा वो नेगेटिव होगा. माइनस E1 इज इक्वल टू जीरो. EMF को वन साइड ले लिया प्रोडक्ट को वन साइड तो I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 और वी कैन से समेशन ई इज इक्वल टू समेशन IR. तो इस तरीके से हमारा जो किरचॉफ्स लॉ है इसके ये प्रूव होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है कि भाई सम ऑफ प्रोडक्ट जो ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर वर्क विद a lot of passion so that you will achieve good marks in your board classes. Thank you.